हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, लोहे को एक जादूगर किडनैप कर ले जाता है और वो उसे एक ऐसी डेस्टिनेशन पे ले जा रहा होता है जिसके बारे में दुए को भी अब तक नहीं पता था। अब आगे एपिसोड शुरू होता है और हमें उन्हीं की जर्नी को कंटिन्यू करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपने आप पहले पड़ाव पे पहुँचते हैं जो कि एक फ्रोजन फॉरेस्ट होता है। लेकिन इस लेजेंडरी फ्रोजन फॉरेस्ट में जाने के भी अपने नियम कानून होते हैं। एक बार अगर कोई इंसान यहाँ पे चला जाता है तो वो कभी भी वापस नहीं आता। अब आगे तुम्हें यहाँ यही सोच रहा होता है कि आखिर ये जादूगर उसे इस तरह की वॉरक्राफ्ट वाली जगह पे क्यों ले जा रहा है। आगे उन्हें लिफ्ट से ऊपर किया जाता है और उन्हें एक सेना की टुकड़ी रोकती है, क्योंकि उन्हें इस फ्रोजन फॉरेस्ट में अंदर जाने के लिए किसी खास तरीके का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट की जरूरत थी जो कि मैजिशियन गिल्ड ने जारी किया हो। लेकिन उस जादूगर के पास हम देखते हैं कि एक ऐसा ही ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो कि उसी मैजिशियन गिल्ड ने उसे ग्रांट किया था ताकि वो उस फ्रोजन फॉरेस्ट के अंदर जा सके। लेकिन जैसे वो बंदा उस डॉक्यूमेंट को देखता है, पूरी तरह से सरप्राइज रह जाता है, क्योंकि उसकी वैलिडिटी 100 साल की थी, जिसमें दो खास तरह के मैजिशियन सील को देख के वो सभी लोग उस जादूगर को सम्मान देते हैं और उन्हें परमिशन मिल जाती है उस फ्रोजन फॉरेस्ट में जाने का। अब इधर जो सेना की टुकड़ी होती है, उसका जो सर्वेंट होता है अपने कैप्टन से पूछ रहा होता है कि उस डॉक्यूमेंट पे जो सिग्नेचर थे वो तो 60 साल पहले ही मर चुका है। तो दूसरा जो मोहर होता है वो प्रेसिडेंट जॉर्डिया को होता है, वो भी एक इलनेस की वजह से 40 साल पहले ही मर चुके हैं। तो आखिर आपने इन्हें अंदर जाने क्यों दिया? जिसपे कैप्टन उसे बताता है कि उस ओल्ड मैजिशियन की जो आइडेंटिटी है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। उस मैजिशियन गिल्ड का जो सबसे फॉर्मर प्रेसिडेंट होता है, कहा जाता है कि वो एक ओल्ड मैन था जो कि एक बहुत पुराने हीरा से रिलेटेड था। और मुझे लगता है कि वो ओल्ड मैन यही था जिसकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा है। दुबे भी मैजिशियन से यही सवाल पूछता है, क्या वो डॉक्यूमेंट असली था? इसपे वो जादूगर उसे बताता है कि ये पूरी तरह से रियल था और इसकी वैलिडिटी खत्म होने की आज लास्ट डेट थी। अब उनके सफर में रात काफी हो जाती है, इसलिए जादूगर ये डिसाइड करता है कि वो एक जगह रुक के यहीं पे टेंट लगाएंगे। आगे वो सारे काम करने के लिए फिर से अपने पपेट स्पेल का यूज करते हैं यहाँ दुए पे, जिससे वो एक कठपुतली की तरह अब सारे काम कर रहा होता है। लेकिन इसी दौरान हम उस जादूगर को देखते हैं कि वो एक पोशन बाहर स्प्रेड करता है, इससे उनके चारों तरफ एक घेरा बन जाता है। लेकिन उसी दौरान उनके जो जंगली कुत्ते होते हैं वो अजीब सी हरकत करने लगते हैं। वो ओल्ड जादूगर इनके पास आता है और उन्हें शांत करने की कोशिश करता है, क्योंकि उन कुत्तों ने वहाँ पे कुछ अजीब सी चीजों को महसूस किया था। इसी कारण से वो जादूगर अपने अराउंड एक शील्ड क्रिएट करने की सोचता है। यहाँ उन कुत्तों पर प्यार बरसाता देख दुए उसे कह रहा होता है कि तुम इन कुत्तों को अच्छी तरह से ट्रीट कर सकते हो लेकिन मुझे नहीं। इतना सुनते ही वो जो जादूगर होता है दुए की मदद करने के लिए यहाँ आँख तो खुद जला लेता है। उसे ये कहता है कि तुम्हारे सब चीज जानने की जो जिज्ञासा होती है एक दिन तुम्हें ले डूबेगी, क्योंकि किसी को उतना ही जानने की इच्छा होनी चाहिए जितना कि वो हजम कर सके, और तुम्हें जो हद से ज्यादा जानने की क्यूरियोसिटी होती है वो तुम्हें स्लीपलेस नाइट दे सकती है। और ऐसा कहते ही वो एक स्क्रॉल बाहर निकालता है और कुछ मंत्रों का जाप करता है, जिससे उनके चारों ओर एक फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है और फिर वो क्रिएशन उनके चारों तरफ एक शील्ड क्रिएट कर देती है। इसपे अब दुए उसे कहता है कि अगर तुम नहीं बताओगे तो वैसे भी मुझे सारी रात नींद नहीं आने वाली है। इसपे वो जादूगर उसे बता ही देता है कि अभी अभी जिस चीज का उसने यूज किया है वो ड्रैगन का गोबर है। ये सुनते ही दुए अजीब सा फेस बनाने लगता है कि वो लोग अभी एक ड्रैगन डंग के ऊपर बैठे हैं। जिसपे वो जादूगर उसे कहता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो और किसी मॉन्स्टर का डिनर नहीं बनना चाहते तो तुम्हें इसी तरह के स्टूपिड एडवेंचर का सामना करना होगा, जिसमें हमें अपनी जान बचाने के लिए किसी ड्रैगन का भी पूप का इस्तेमाल करना पड़े तो कोई हर्ज नहीं। ये सुनते ही दुबे उसे कहता है कि तुम अपने आप को एक पावरफुल मैजिशियन होने का दावा करते हो और एक मामूली से मॉन्स्टर से डरते हो। जिसपे वो जादूगर उसे कहता है कि यहाँ मॉन्स्टर्स के अलावा कुछ ऐसे भी क्रिएचर्स हैं जो दिखाई नहीं देते, लेकिन हमें उनसे बच के रहना चाहिए और अपनी आखिरी मंजिल पे पहुँचने से पहले मैं नहीं चाहता कि उनसे फाइट करके मैं अपनी ज्यादा से ज्यादा मैजिक पावर को कंज्यूम कर लूँ। साथ ही अगर तुम ठंड से जमने से बचना चाहते हो तो तुम इस शील्ड को पार करने की कोशिश भी मत करना। अब आगे वो अपनी जर्नी दोबारा से सुबह स्टार्ट करेंगे, ये कहते हुए उसे सोने को कहता है। लेकिन अब हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ दुवे नेचर कॉल आने से वो उससे शील्ड से बाहर निकल जाता है। और यहाँ वो नींद में भी यही सोच रहा होता है कि आखिर वो इस जादूगर से पीछा कैसे छुड़ाएगा, तभी उड़ती हुई तीर उसे हिट करती है। लेकिन यहाँ इस अटैक से वो बच तो जाता है। जैसे उसे ये आभास आता है कि वो उस सर्कल से बाहर आ चुका है, वो उसके अंदर जाने की कोशिश करता है। तभी दूर से कोई उसे हेल्प मांग रहा होता है। वो दौड़ के उसके पास पहुंचने वाला होता है कि वो पूरी तरह से जख्मी होता है और जमीन पे गिर जाता है। यहाँ दुबे उसकी मदद करने को जाता है, लेकिन वो बंदा उसे लगातार कह रहा होता है कि तुम्हें यहाँ से जल्दी भाग जाना चाहिए।
बुसायरों को फायर करने वाला भी वही बंदा होता है, लेकिन फिर भी यहाँ दुबे उसकी मदद करता है, ये कहते हुए कि जल्द से जल्द हमें उस सर्कल में पहुँचना चाहिए अगर हमें अपने आप को बचाना है तो। लेकिन उसी दौरान हम बहुत ही तेजी से किसी को उनकी तरफ बढ़ते हुए देखते हैं और इनके सामने यहाँ पे अपेयर होता है एक बहुत ही जॉइंट मॉन्स्टर, जो कि देखने में काफी खूंखार होता है। और जैसे ही वो बंदा उसे देखता है, वो यहाँ डिसाइड कर लेता है कि वो उस मॉन्स्टर से भागेगा नहीं बल्कि इसका सामना करेगा। आगे वो बंदा अपनी एरो से वो उस मॉन्स्टर को शूट करता है, लेकिन उसकी सारी की सारी एरोस खत्म हो जाती हैं। लेकिन वो बंदा फिर से अपनी तलवार यहाँ निकाल लेता है और उस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ हम दुबे को देखते हैं, जो यही सोच रहा होता है क्या वो ओल्ड जादूगर जो है और सर्कल में आराम से सोता ही रहेगा और यहाँ पे मेरी मौत हो जाएगी, जिसमे दुबे उसे जोर से पुकारते हुए बुलाता है। तो आगे हम देखते हैं कि उसके सामने दुबे का बैग रखा पड़ा होता है। यहाँ पे उस जादूगर ने अपने आप को पूरी तरह से इनविजिबल कर लिया था और उसे कहता है कि जो लोग अपने आप को ही परेशानी में खुद ब खुद डाल देते हैं, मैं उन्हें दोबारा देखना पसंद नहीं करता, इसलिए इस मुसीबत से तुम ही निपटो, मैं तो जा रहा हूँ आराम करने। जिसपे दुबे उसे कहता है कि देख लिया मैंने तुम्हें कि तुम कितने बड़े जादूगर हो, इस क्रिटिकल मोमेंट में मुझे इस तरह से छोड़ करके तुम भाग रहे हो। बागे सीन वापस से फाइटिंग की तरफ शिफ्ट होता है, जहां वो बंदा अपने तलवार से उस मॉन्स्टर पे अटैक करने वाला होता है, लेकिन हम तभी देखते हैं कि उस मॉन्स्टर के जो डंक होते हैं वो उसे हिट करता है उस बंदे को, इससे वो डंक अब उसकी बॉडी के आर पार हो चुका था। इससे पहले कि वो मॉन्स्टर उस बंदे को पूरी तरह से निगल जाता, यहाँ दुबे ये देख नहीं सकता था और वो डिसाइड करता है कि वो उस बंदे की मदद करेगा, क्योंकि उस मॉन्स्टर के मुंह में जाने के बावजूद भी यहाँ वो दुबे से कह रहा था कि तुम यहाँ से भाग जाओ और मेरे कारण तुम इस मुसीबत में पड़े हो, क्योंकि ये जो मॉन्स्टर है मेरा ही पीछा कर रहा था। और यहाँ इस मुसीबत के समय में भी वो जो बंदा है दूसरे के बारे में सोच रहा है, यही सोचते हुए दुबे भी उसके खिलाफ काफी ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड हो जाता है और यहाँ उसकी मदद करने को सोचता है। कि तभी हम देखते हैं कि दुबे के जो टेफल हॉर्न्स होते हैं वो रिलीज होते हैं और अब की बार कॉन्ट्रैक्ट में दुबे ने सिर्फ फायर लिमिट को ही सेंस करने के लिए मैजिक मांगा था, लेकिन दुबे को डेवल ने नेचर में मौजूद जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स में से जो मैजिक एलिमेंट्स हैं उन्हें सेंस करने की एबिलिटी दी होती है। बिजी एबिलिटी का यूज करते हुए दुबे अपने वायु एलिमेंट को यूज करता है, जिसमें एक ऐसी विंड ब्लेड टेक्निक अपेयर होती है जो कि इतनी फास्ट होती है कि एक सेकंड के अंदर ही उस मॉन्स्टर के डंक को वो चीर देती है। अब आगे वो मॉन्स्टर दुबे पे हमला करने को बढ़ता है, जिसपे दुबे भी तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है और यहाँ पे अब अपने फायर एलिमेंट मैजिक का यूज करते ही वो उस मॉन्स्टर पे ऐसा करारा अटैक करता है जिससे होने वाली जोरदार ब्लास्ट से वो मॉन्स्टर वहीं पे धराशायी हो जाता है। ये लगातार दुबे अपने शॉट से भी उस पे अटैक करता है जिससे वो मॉन्स्टर वहीं पे पूरी तरह से ढेर हो जाता है। इस पूरे नजारे को वो घायल बंदा देख रहा होता है और उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आता कि एक बंदे ने इतने बड़े मॉन्स्टर को अकेला ही हरा दिया है। और यहाँ पे वो आश्चर्यचकित होकर के दुबे से पूछ रहा होता है कि आखिर तुमने इस मॉन्स्टर को अकेले ही कैसे हरा दिया। और उसके इसी कथन के साथ गाइस हम देखते हैं कि ये जो हमारा एपिसोड है यही हो जाता है फिनिश। तो गाइस आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हाँ वीडियो जरा से भी अच्छी लगी होना तो प्लीज इसे लाइक कर दें। बहुत ही जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी इसके नेक्स्ट से अमेजिंग एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।